नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवादियों की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इसके लिए कानून भी आ गया है, UAPA यानी द अनलॉफुल प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, जो अब पास हो चुका है। अमित शाह ने इस पर चर्चा करते हुए बुधवार को संसद के भीतर यासीन भटकल का उदाहरण दिया। यासीन भटकल जो कि खूंखार आतंकवादी था, उसका जिक्र करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे पास कोई कानून नहीं था कि यासीन भटकल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके, उसकी संपत्ति जब्त की जा सके। आतंकवादी घोषित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान ही नहीं था हमारे पास। लेकिन अब चूंकि गृहमंत्री ने यह बिल पेश कर दिया है और यह बिल पास भी हो चुका है, जिसके बाद अब 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके यासीन भटकल की संपत्ति जब्त की जाएगी। बहुत तीखी नोकझोंक चली संसद के भीतर, उसके बाद एंटी टेरर बिल पास हो सका है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई ऐसे नेता थे जो इस पर सवाल उठा रहे थे। ओवैसी जैसे नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया और ये संशोधित बिल है जो अभी आया है। बड़ी बात आपको बता दें कि संशोधित बिल में क्या है। अगर किसी व्यक्ति पर आतंकवादी होने का शक या उसे आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति सरकार अब जब्त कर लेगी। आतंकी कृत्य को अंजाम दिए हों या उनमें शामिल हों या आतंकवाद के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या वो भी व्यक्ति इसमें शामिल है जो आतंकवादी समूह में शामिल होने की तैयारी कर रहा हो, या आतंकवाद को बढ़ावा देने का उस पर शक हो, या आतंकवाद में किसी तरह से वो शामिल रहा हो, ऐसे तमाम लोग इस बिल के दायरे में आएंगे और उन पर अब कार्यवाही होगी। संशोधित बिल के तहत यानी इस कानून के तहत आतंकी संगठनों की संपत्तियां जब्त की जाएगी और इसके अलावा किसी भी अधिकारी को, जो जांच अधिकारी होगा, संबंधित राज्य के DGP की अनुमति की जरूरत होगी। पहले भी हालांकि जब संपत्ति अटैच की जाएगी, जब्त की जाएगी, उससे पहले जो जिस राज्य में भी कार्रवाई होगी वहां की संपत्ति जब्त, वहां के DGP को पहले बताना होगा, उनसे इजाजत लेनी होगी और तब ये कार्रवाई की जाएगी। अगर मामले में जांच NIA के हवाले है, NIA अफसर कर रहा है, तो संपत्ति जब्त करने के लिए संबंधित राज्य के DGP की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये संशोधित बिल में डाला गया है। NIA जो कि एंटी टेरर एक्टिविटीज को लेकर काम करती है, यानी जो टेरर एक्टिविटीज है उसके खिलाफ जांच करती है, NIA वैसे मामलों की अगर जांच कर रहा हो तो किसी भी आतंकी की संपत्ति जब्त करने के लिए किसी राज्य के DGP की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। मोदी सरकार जो आतंकवाद पर हमेशा से सख्त रही है, इस बार भी, और हाल के दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे आतंकवादी, बड़े बड़े आतंकवादी सामने आए, उन्हें देश के भीतर लखनऊ से लेकर आप बिहार के कुछ हिस्सों में चले जाएं, झारखंड चले जाएं, कई ऐसे बड़े नाम सामने आए। यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का को आगे बढ़ा रहा था हिंदुस्तान में, वो भी हिंदुस्तान से ही पकड़ा गया, नेपाल भाग चुका था। तो ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। UAPA बिल की लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है इस बिल को। इससे पहले NIA संशोधन बिल भी लोकसभा में पास हो चुका था, जिसके बाद अब राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। यानी एक तरफ NIA के पावर को बढ़ाया गया, NIA के अधिकारों को बढ़ाया गया और दूसरी तरफ आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए भी एक बिल आ चुका है। तो अब सरकार आतंकवादियों पर चौतरफा दबाव बनाकर उनके तमाम ठिकानों को, उनके आकाओं को जेल में डालना चाहती है, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहती है। सामाजिक कर्मी को टेररिस्ट या उग्रवादी नहीं मानना चाहिए। सुप्रिया जी, आपके माध्यम से मैं सुप्रिया जी को विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे समाज जीवन के अंदर काम करने वाले लोग सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। पुलिस को कोई शौक नहीं है उनको पकड़ने का, मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है। और सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय, ये वामपंथी उग्रवाद शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था जिसने देश के हजारों लोगों की जान ली। वैचारिक आंदोलन का चोला फेंककर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है। हम कठोरता के साथ कार्य, जो चोला पहनते हैं वैचारिक आंदोलन का और बढ़ावा देते हैं वामपंथी उग्रवाद को, उनको रोकना पड़ेगा। अनपढ़ लोगों को, अबूझ लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर हाथ में बंदूकें पकड़ाना, अपने उद्देश्य का उल्लू सीधा करना, मैं नहीं मानता है वैचारिक आंदोलन है, मैं नहीं मानता है सामाजिक काम। और मैं मानता हूं, मान्यवर, कि पुलिस ने जो किया वो ठीक किया है।